हाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का हमारे चैनल शिव कथा उपाय पर बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूं दर्शकों, आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि श्राद्ध पक्ष चल रहा है। 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष का इस पवित्र माह में, श्राद्ध पक्ष के इस माह में हम अपने पितरों के निमित्त तर्पण करते हैं। हमारे पितरों के आत्मा को शांति के लिए और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति के लिए हम उनका श्राद्ध करते हैं। पितृ पक्ष की इस पंचमी तिथि पर और साथ में ही यदि आप इस पूरे पितृ पक्ष के माह में, श्राद्ध पक्ष के माह में, यह तीन चीजें कभी भूलकर भी आपको नहीं खरीदनी है। कौन सी है वह तीन चीजें, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। लेकिन इससे पहले दोस्तों, यदि आप हमारी चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी आवाज को सुन रहे हैं, तो चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे कि हमारा जब भी कोई नया वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। पूजनीय पंडित जी ने अपने श्री शिव महापुराण कथा में विशेष रूप से इस उपाय का वर्णन किया है। यदि सच्चे मन से और पूर्ण विश्वास के साथ आप इस उपाय को करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होती है। सबसे पहले तो पितृ पक्ष की पंचमी तिथि पर आपको शाम के समय चौमुख दीपक अपने घर के द्वार पर जलाना है। इसी के साथ में इन 16 दिनों में कभी भी भूल कर भी आपको यह तीन चीजें नहीं खरीदनी है। कौन सी है वह तीन चीजें? सबसे पहली चीज है सरसों का तेल। जी हाँ, पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में सरसों का तेल हमें भूल कर भी कभी नहीं खरीदना चाहिए। इसी के साथ में दूसरी चीज है नमक। नमक भी हमें पितृ पक्ष में कभी भूल कर भी नहीं खरीदनी चाहिए। तीसरी चीज है झाड़ू। झाड़ू को धन की देवी माता लक्ष्मी का ही एक रूप स्वरूप माना जाता है। यदि आप पितृ पक्ष में झाड़ू खरीदते हैं तो धन की देवी माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाती है और आपके घर में वास कभी नहीं करती है। तो ऐसी परिस्थिति में यदि आप झाड़ू खरीदने का सोच रहे हैं पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में, तो आप झाड़ू भी भूलकर कभी ना खरीदें। और ऐसा माना जाता है श्राद्ध पक्ष में हमें कभी भी कोई ऐसी शुभ चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, जैसे कि कोई मांगलिक कार्य के लिए हमें कोई भी सामान नहीं खरीदना चाहिए, कपड़े नहीं खरीदने चाहिए, जेवर नहीं खरीदना चाहिए, सोना नहीं खरीदना चाहिए हमें। इसी के साथ में यदि आप ग्रह प्रवेश करने का सोच रहे हैं तो इस सात पक्ष में हमें कभी भी ग्रह प्रवेश नहीं करना चाहिए, कोई भी बड़ी चीज नहीं लेनी चाहिए, जैसे कि जमीन नहीं लेना चाहिए, गाड़ी नहीं लेना चाहिए, घर नहीं लेना चाहिए, ऐसी कोई भी चीज हमें कभी नहीं खरीदनी चाहिए। इस सात पक्ष में हमें अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु उनके निमित्त उनकी तिथि के अनुसार तर्पण करना चाहिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसी के साथ में घर के मुख्य द्वार पर रात को सोने से पूर्व आप एक लोटा जल अवश्य ही भर कर रखें, क्योंकि रात्रि में ऐसा माना जाता है कि हमारे पितृगण जब भटकते हुए भूखे प्यासे हमारे द्वार पर आते हैं और उन्हें पानी तक नसीब नहीं होता है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसे में आप पितृ पक्ष में, श्राद्ध पक्ष में घर के मुख्य द्वार पर जल का कलश अवश्य ही भर कर रखें। धन्यवाद दर्शकों, यदि आपको हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दर्शकों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।